हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बच्चों सभी बता दो चैट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, ओके मतलब सबको क्लियर है। तो बेटा देखो, सबको पता है अभी तक हमारे हम चैप्टर वन पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको मैथ्स को पढ़ने में बहुत हेल्प करेगी, है ना। हमने इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ भी ली हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने प्राकृतिक संख्याएं देख ली हैं, पूर्ण संख्याएं देख ली हैं, है ना, पूर्णांक देख लिए हैं, फिर उनके ऊपर जोड़ करना, घटा करना, गुणा करना, भाग करना भी हमने देख लिया। फिर हमने पढ़ा भिन्न क्या होता है ना। भिन्न क्या होता है, किसी भी, अगर मैं किसी चीज की बात करूं, किसी भी मैं चीज की बात करूं बेटा, किसी पूरी चीज की, और मैं उसके कुछ भाग कर दूं, और मैं उसके एक भाग को कुछ मैथ में लिखना चाहूं, तो मैं कैसे लिखूंगी बेटा, भिन्न से लिखूंगी। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, भिन्न से लिखेंगे। ये सब चीजें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। फिर हमने भिन्न के प्रकार देखे, फिर हमने देखा कि अगर मेरे पास दो अलग अलग भिन्न है, उनको मैं कैसे जोड़ सकती हूँ, कैसे घटा सकती हूँ, कैसे गुणा कर सकती हूँ, राइट। और पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा भाग करना भी सीखा था। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स की बात कर लेते हैं। मैम रोज रोज रूल्स बताने देते हो आप। मेरी हमारी क्लास के बच्चे सभी इंटेलिजेंट है, मुझे रूल्स बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा एक ले लेते हैं कि अगर मैं बोल दूं यस और नो लिखना है, या कोई भी आपका डाउट है वो आपको लिखना है, कहाँ करना है, इन कॉल मैसेज में। तीन डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में लिखना है। कैमरा ऑन नहीं करना है, जो बच्चे करते भी नहीं है। माइक ऑन अननेसेसरी नहीं करना है, वो आप भी नहीं करते हो। लेकिन बेटा कोई डाउट है ना तो जरूर कीजिए और पूछिए, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करना है, तो सबको पता है कि आप एक्टिविटी में जाओगे, तीन डॉट पे जाके, और एक्टिविटी में जाके पोल्स में पहुंचोगे, और जो भी ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है ए बी सी डी में से, वो क्लिक करोगे और वोट कर दोगे। बेटा वोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे एक हर एक बच्चे को समझ आए, है ना। तो वो मुझे कैसे पता लगेगा, आप पोल में आंसर करोगे तब। ठीक है, और देखो बेटा जब आप पोल में आंसर करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। आप करते हो उसका सही आ जाता है आंसर, तो आपको लगता है हाँ आप कर पाते हो। और कई बार हमें लगता है क्वेश्चन देखे कि मेरा आंसर सही होगा, मुझे आता है, लेकिन हम गलत कर देते हैं, तो हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे बेटा भिन्नों पर संक्रिया, यानी कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। तो इसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने ऐड करना देख लिया था, घटा करना देख लिया था, गुणा करना भी देख लिया था। हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में भाग भी देखा था, है ना। देखो ऐड करना कैसे देखा था, मान लीजिए बेटा मेरे पास 2/3 है, 5/7 है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 3 और 7 का एलसीएम लूंगी, और उसके बाद 3 के पहाड़े में 7 कब आता है, 21 कब आता है, 7 पे गुना 2 कर दूंगी, क्योंकि अंश ऊपर है। ठीक है, 3 के 7 के पहाड़े में 21 कब आता है बेटा, 3 पे गुना ऊपर 5, तो कितना आ गया, 14 + 15, है ना, 21, तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, मेरे पास आएगा 29/21। ऐसे ही हम बिल्कुल घटाव करेंगे बेटे, है ना, घटाव भी करेंगे, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। गुना करना हमने देखा था, हम क्या करते हैं, 2/3 है, इसकी गुना 4/5 से करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8/15। यही चीजें हमने पिछली क्लासेस में सीखी थी। आज हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं डिवीजन, जो हम थोड़ा सा पीछे देख भी चुके हैं। ठीक है बेटा, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, दूंगी क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ तो लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है चलो, अब मैंने आपको सभी को बताया था बेटा कि अगर हम भिन्नों को भाग करते हैं, तो हमारे पास तीन तरीके से हम इसको देख सकते हैं, कि मैं एक भिन्न से पूर्ण संख्या को भाग करूं, मतलब एक पूरे भिन्न से पूर्ण संख्या को भाग करूं, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग करूं, और वे एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग करूं। मतलब समझो, मैंने आपको बताया था, मान लीजिए मेरे पास एक भिन्न है 5/3, मुझे इसे भाग करना है 4 से। ठीक है, ये क्या हुआ, भिन्न से पूर्ण को भाग करना। ठीक है, दूसरा मान लीजिए मैं लिखती हूँ 4 की भाग करनी है आपको 5/3 से। ठीक है, और तीसरा हमने देखा था एक भिन्न की दूसरे भिन्न से भाग करना। ठीक है बेटा,
एक एक करके हम सीनों पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा देख भी लिया था, हमने देख लिया था कैसे व्युत्क्रम निकालते हैं और भाग कैसे करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं बेटा। मैंने आपको पिछले बताया था कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2, ठीक है, मुझे इसे भाग करना है 5/3 से, 5/3 से। तो मैं क्या करूंगी बच्चे, हम क्या करेंगे, 2 स्टेप में कर देंगे सिंपल, कि आपके पास जो ये भिन्न है इसको उल्टा करके लिख दोगे, यानी कि इसका व्युत्क्रम लिख दोगे। क्या लिख दोगे? व्युत्क्रम लिख दोगे। मैम वो क्या होता है? रेसिप्रोकल। मैम वो क्या होता है? मतलब बेटा उल्टा करके, मतलब अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। मतलब 5/3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 3/5 हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 को ऐसे ही लिख दिया और भाग की जगह पे बेटा गुना लिख देंगे और 5/3 की जगह 3/5 लिख दिया। अब इनको गुना कर दो, गुना तो सब बच्चों को आती है। अंश की, अंश से हर के नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1 की गुना 5 से, तो कितना आ गया? 6/5। क्या मेरी बात समझ आई है? ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था बच्चे। हम क्या करते हैं, ये वाला जो दूसरी संख्या होती है इसको उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब अंश का हर बना देते हैं, हर का अंश बना देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो बेटा मेरे पास है 5 और मुझे 5 की भाग करनी है 5/3 से। चलो बता दो जरा कितना आंसर आएगा चैट सेक्शन में, क्या आंसर आना चाहिए, देखते हैं हमारे कितने बच्चे बता पाते हैं। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, देखते हैं हमारे कितने बच्चे बता पाते हैं। बेटा आगे भी तो भाग हो सकता है ना? यस यस, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। देखो बेटा क्या करेंगे, देखो मैंने 5 को ऐसे ही लिख दिया और गुना करके की जगह, भाग की जगह पे गुना का निशान लगा दिया। ठीक है, और मुझे पता है इसको उल्टा करके लिख दो 3/5। आपका 5/3 का उल्टा क्या हुआ? 3/5। ठीक है बेटा, तो आप 5 की गुना 3 से कर दो और इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 की गुना 5, 5 की गुना 3 से और 5, तो कितना आया? 15/5। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? यस मैम हो सकता है। 5 + 5, 5 + 15, तो 3/1, यानी कि 3 ही होता है, उसका मतलब 3 ही होता है। यस और नो? यस, सभी बच्चों ने 1 का, मैंने बोला ना, मैं यही ऑब्जर्व कर रही थी, 1 बच्चे का मैंने, जिससे ऐसे बच्चे ने 2 दिया, मैंने बोला हाँ उसने सही किया, तो सबने लाइन लगा दी 2 2 2 2 2 की, देखा भी नहीं कि उसने सही किया है या गलत किया है। बलाद में एक बच्चे ने बोला है कि मैम 2 नहीं 3 है। बेटा अपना आंसर कीजिए और कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। चलिए फिर मैं अब एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ठीक है, सभी बच्चे का आंसर करेंगे पोल में करेंगे। देखो बेटा 17 की भाग करनी है 51/3 से। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले आप इसको लिखोगे 7/17, इसको आप 7 कर गुना कर दोगे और इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या होगा? 3/51। आप गुना करो और उसके बाद देखो क्या सबसे छोटा हो सकता है। ठीक है, अगर हो सकता है, अगर यहाँ पर भी कटता हुआ दिख रहा है तो काट दीजिए और फिर उसके बाद आंसर कर लीजिए। ठीक है, पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को। चलिए तो बेटा भाग में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, भाग के अंदर हम क्या करते हैं, भाग के अंदर हम दूसरी वाली जो संख्या होते हैं उसको उल्टा करके लिख देते हैं और भाग के साइन को गुना का साइन बना देते हैं, और गुना करना तो सबको आता है ना। चलो कर दो जरा, कॉपी में करेंगे फिर पोल में करेंगे। और बच्चे यहाँ पर रेस, कोई भी रेस यहाँ पर जल्दी की नहीं है कि कौन जल्दी करता है, सही कौन करता है उसकी है। तो टाइम लो, कॉपी में करो फिर आंसर दो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। मैम रकम दोबारा रिपीट करना। 17 की भाग करनी है आपको 51/3
तीन से, 17 की भाग करनी है 51/3 से। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, काफियों का आंसर आना है बेटा। वेरी सिंपल, आपको यहीं पे अगर दिख रहा है कि कट रहा है तो आप काट दो, नहीं कर दिया मैम। हाँ, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कर दीजिए। बेटा अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए। बेटा सारे बच्चों को आंसर चाहिए, मुझे अभी काफी बच्चे रुके हुए हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है? टाइम लग रहा है तो बता दो, मैं टाइम दे दूंगी। चलिए मैं 5 सेकेंड और देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा ये चीज अपने माइंड में रखिए सभी बच्चे, मुझे आंसर हर एक बच्चे का चाहिए, मुझे आंसर हर एक बच्चे का चाहिए। हमारी क्लास का रूल है, सभी को पता है, आंसर सबका आना चाहिए। तो बेटा सिंपल था ये, तो देखो 17 एकम 17, 17 तिया 51। तो अब आपको पता है 1 की गुना 3/3, तो 3/3 भी 1 ही हो गया, तो 1 की गुना 1 से करोगे 1 आ जाएगा। और वैसे भी देखो 17 की गुना 3 से करोगे ना तो कितना आएगा, 51/51, तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। जितने बच्चों ने किया वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया है सभी बच्चे अपने माइंड में रखिए बेटा कि आपको आंसर करना है, कॉपी में करिए, टाइम लग रहा है मुझे बताइए, मैं टाइम दे दूंगी, लेकिन आंसर सबको करना है। नहीं समझ आ रहा बताओ, मैं रिपीट करती जाऊंगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मान लीजिए पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग करना है, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग करना है, मतलब मान लीजिए मेरे पास है 5/6, मुझे इसको भाग करना है 5 से, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा क्या लिखूंगी मैं 5 का, चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बता दो बेटा 5 का उल्टा क्या लिखूंगी मैं, 5 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 1 5/1 है ना, 5 का मतलब 5/1, तो इसका उल्टा क्या हुआ बेटा, उल्टा क्या हो गया 1/5। तो कोई भी नंबर है जैसे जो पूर्ण संख्या होती है उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं और उसके बाद उसका उल्टा क्या हो गया, क्या हो गया 1/5 में, 1/5, तो कितना हुआ 5/6 और 1/5, और साइन क्या आ जाएगा बेटा, साइन आ जाएगा आपके पास गुना का, ठीक है? अब आप कर दो गुना, सिंपल, अंश की अंश से हर की हर से, अगर आपको दिख रहा है कोई अंश हर से कट रहा है, जैसे यहाँ पर 5 कट रहा है, 5 5 कट रहा है, तो आंसर कितना आया 1/6। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो सीधा लिखो 5/30, और अब आपको दिख रहा है 5 एकम 5 5 का 30। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में लिख दीजिए। यस मैम, चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख देंगे, ठीक है? तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा लिख दिया, व्युत्क्रम लिख दिया 1/5, और उसके बाद नॉर्मल गुना, गुना तो हमारी क्लास में हर एक बच्चे को आती है, गुना तो हर एक बच्चे को आते, किसी भी भिन्न को एक पूर्ण संख्या से भाग करने के लिए उस भिन्न को उस पूर्ण संख्या के व्युत्क्रम से गुना किया जाता है, मतलब 5 है तो 1/5, 5 का 1/5 कैसे बना, 5 का मतलब हुआ 5/1, तो उसका उल्टा हुआ 1/5। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर बना देना और हर को अंश बना देना, ठीक है? चलो
आगे बढ़ते बेटा, क्या ये बात मेरी समझ आई है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है, 7/12 को आपको भाग करना है 3 से, 3 से कितना आएगा बता दो जरा, कितना आएगा चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे, देखते हैं हमारे कितने बच्चे इसका आंसर सही बताते हैं। 7/12 को भाग करना है 3 से, देखते हैं क्या आंसर आता है, सभी बच्चे कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, यस बेटा। तो हमें क्या पता है, मेरे पास नंबर क्या है, नंबर है मेरा 7/12 को भाग करना है 3 से, तो मैं 3 का रेसिप्रोकल उल्टा लिख के रख दूंगी, व्युत्क्रम कितना होगा 1/3, है ना, क्योंकि 3/1 का 1/3 और गुना का साइन, तो 7 की गुना 1 से, 12 की गुना 3 से, सो 7 की गुना 1 से, 12 की गुना 3 से कितना आ गया 7/36। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी जल्दी बता दीजिए यस और नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए मुझे, और सभी बच्चे करेंगे आंसर, आंसर मुझे सब बच्चों का चाहिए। 10/11 को भाग करना है 20 से, 10/11 को भाग करना है 20 से, कर दीजिए जरा, देखते हैं हमारे कितने बच्चे करते हैं, पोल के अंदर आंसर करना है सभी को। और बेटा एक चीज और, पहले कॉपी में कर लीजिएगा फिर आंसर कीजिएगा, जितने बच्चे ज्वाइन है हमारी क्लास में सबका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है, चाहे टाइम ले लो मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैम अभी हम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टाइम दे दूंगी। ध्यान से देखिए, अगर आपको लग रहा है उसका उल्टा लिखने के बाद कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, अगर वैसे गुना करने के बाद में कट रहा है तो वैसे काट दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, करिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए, 10/11 है उसको भाग करना है 20 से, तो आप पहले देखिए कि 20 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 20 का व्युत्क्रम क्या होगा, 20/1 है, 20/1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/20, और बीच में गुना का साइन लगा दीजिए, फिर तो गुना सबको करनी आती है, फिर तो गुना सबको करनी आती है, कर दीजिए। सभी बच्चे करेंगे अभी, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी कर दीजिए जल्दी जल्दी। बेटा जो 2-3 बच्चे बचे हुए हैं आज हमारी क्लास में बच्चों को क्या हुआ है, जल्दी जल्दी करिए आंसर। सर मैंने भी कर दिया, गुड बेटा, गुड बेटा, मेरे पास आ जाता है, आप लोगों को बेटा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी बच्चे भी कर दीजिए। जल्दी जल्दी बच्चे, चलो 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, मैंने कर दिया, वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2,
एक जीरो, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा क्या क्वेश्चन में आप लोगों को समझ नहीं आया है, क्योंकि बहुत बच्चों ने गलत किया है। बेटा अगर डाउट है तो पूछ लो। देखो मैंने बोला था 10/11 हो गया, इसका उल्टा क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ 20/1, 20/1 का उल्टा क्या होगा 1/20, तो मैंने 1/20 लिख दिया और भाग की जगह पे गुना का साइन लगा दिया। अब देख लो मैं 10 की गुना 1 से करूंगी, 11 की गुना 20 से करूंगी, ठीक है, तो कितना आएगा 10/220, 10 से 10 कट गई 1/22, और आप यहां से भी काट सकते थे 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तब भी 1/22 आता। फिर भी बच्चों ने आंसर गलत किया है भाई, क्यों? क्या मेरी बात समझ नहीं आई है बच्चों? कुछ बहुत बच्चों का ठीक भी था बट कुछ बच्चों ने गलत किया था। बेटा अगर डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चे पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न को भाग। पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न को भाग मतलब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी संख्या है उसे भाग करना। बेटा सिंपल है, वही है, बस आपको क्या पता करना होता है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो। वो तो सबको आता है, आता है ना, अनुचित भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न, या मैं कहूँ विषम भिन्न में बदल लो। यस मैम, है ना, विषम भिन्न में बदल लीजिए, क्या हो जाएगा 3 × 12, 12 × 2 = 14, है ना, 3 × 12 × 2 = 14, फिर बटे में 3 तो यही, और भाग है आपका 7, तो मैंने यहाँ लिख लिया कितना आएगा बेटा 14/3 भाग में 7। अब मुझे भाग करना आई गया है, ये वाली संख्या जो दूसरी संख्या होती है इसका उल्टा लिख दो, 7 का उल्टा क्या होगा 1/7 और गुना, ठीक है, तो 7 की कितना हो जाएगा 14 की गुना 1 से करेंगे 14 और यहाँ पर 7 × 21, 14/21 क्या सही आंसर है? नहीं, ये और जा सकता है, 7 × 14, 7 × 21, 2/3, और आप यहाँ भी काट सकते हो 7 × 7, 7 × 14, तो भी आपका 2 × 1 से करोगे 2 आएगा और 3 × 1 से करोगे 3 आएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि अगर आपके पास मिश्र भिन्न में है तो आप पहले क्या करते हो, उसे अनुचित भिन्न में बदलते हो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? किसी भी बच्चे को डाउट? नो मैम। बेटा फिर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो, है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे मिश्र भिन्न को पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, 4 जो ये नंबर होता है इसे गुना करते हैं और जोड़ देते हैं 2 को, है ना, और उसके बाद तो स्टेप 2 सबको पता है कि इसका उल्टा कर दो, मतलब इसका व्युत्क्रम लिख दो, 7/1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/7 और गुना कर दो, सिंपल गुना कर दो, है ना, तो 2/3 आया, 2/3 आया। चलो मुझे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो। अब मान लीजिए मेरे पास है 21/4 और मुझे इसे भाग करना है 7 से, बता दो जरा कितना आंसर आएगा चैट सेक्शन में, बता दो जरा चैट सेक्शन में कितना आंसर आएगा बच्चों। पहले कॉपी में कर लीजिएगा फिर बताइए। ठीक है देख लेते हैं, देख लेते हैं बच्चे, आपने किया इसका उल्टा, है ना, 7 21/4 का और गुना लगा दिया और 7 का व्युत्क्रम लिखा 1/7। अब मैं देखो, या तो आप 21/28 लिख दो फिर सॉल्व कर लो, या मुझे दिख रहा है 7 × 7, 7 × 21, है ना, तो 3 × 1 से कर दो और 4 × 1 से कर दो, तो कितना आ गया 3/4। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है बच्चों? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में यस और नो, और जितने बच्चों ने किया था वेरी गुड। चलो फिर क्या मैं अब एक क्वेश्चन पूछ लूं सभी से? यस मैम, चैट में बेटा, चैट में प्लीज। चलिए फिर क्वेश्चन है आपके पास, आपको
आठ सही चार बटे पांच से भाग करना है ग्यारह से, को भाग करना है ग्यारह से, ठीक है। तो पहले इसको, ये मिश्र बिन में है, पहले सभी बच्चे इसे किसमें बदलेंगे, अनुचित बिन में बदलेंगे, और उसके बाद भाग करने का सभी को पता है कैसे किया जाता है ना, सबको पता है इसका। व्युत्क्रम निकालते हैं और गुना का साइन लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए सभी बच्चे कर दीजिए। और सभी बच्चे कहाँ करेंगे बच्चे, पोल में करेंगे। चलो, भाग करने के दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहले आप उसको मिश्र बिन से अनुचित बिन में बदल लो, और उसके बाद आप सभी को पता है कि भाग कैसे करते हैं। दूसरा वाला जो नंबर इसे 11 है, उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लिख लो, और उसके बाद गुना का साइन लगा दो और सॉल्व कर दो। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बच्चे। वेरी गुड, जितने बच्चे मेरे ज्वाइन है ना, सबके आंसर चाहिए बेटा। देखो, आपको जो आंसर सही लगता है, आपको समझ के अकॉर्डिंग करिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे, है ना। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे। आठ सही चार बटे पांच को भाग देना है ग्यारह से, पहले कॉपी में कीजिए और उसके बाद पोल में कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए, अभी सबके नहीं आए हैं। आठ सही चार बटे पांच को भाग, मैं मान सकते हैं कर दो ग्यारह से, क्या बेटा मान सकते हैं कर दो, चैट खोल दूं, ये कह रहे हो। सभी बच्चे करेंगे बच्चे। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए। हमारी क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट है, सबके आंसर चाहिए मुझे। मैम चैट खोल दो। बेटा चैट अभी नहीं खुलेगी, पहले पोल में आंसर करिए। सबको तो पता है रूल्स, सबको रूल्स पता है ना। आज क्या दूसरे कर दिया, जिन्होंने कर दिया, बाकी बच्चे भी कर दीजिए जल्दी से। मैं पोल में आंसर करिए पहले, जल्दी जल्दी। जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकंड और दे रही हूं मैं सभी को। बेटा बहुत बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा क्लास में। जल्दी जल्दी करिए सभी बच्चे, मैं 5 सेकंड और दे रही हूं। 5 4 3 2 1 0, बोल को करते हैं बंद
और चैट को करते हैं ऑन। आज कुछ और बच्चे भी जुड़े हुए हैं ना क्लास में, महेंद्र धोनी की आईडी से जो बच्चा है। बेटा कौन से बैच के हो आप? मैं तो पहले से जुड़ रहा था। हाँ बेटा, मैं तो पहले ही लेता था क्लास। हाँ पहले भी लेते थे, बीच में चेंज हो गया था ना, आपका लिंक नहीं आता था। लिंक नहीं आता था? अच्छा, तो आप ज्वाइन नहीं करते थे क्लास? अच्छा चलो फिर देख लेते हैं बच्चों, है ना। आपको पता है क्या करेंगे हम? हम करेंगे 8 पंजे 40 और 4 44 44/5 और इसको भाग करना है 11 से। तो मुझे पता है 11 से भाग करने के लिए, ठीक है, तो मैंने यहां से क्या करेंगे, हमें पता है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका उल्टा। 11/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/11 और भाग की जगह गुना का साइन लगा दो। अब इसे गुना कर दो, सिंपल। देखो 11 एकम 11 11 चौक 44, तो 4/5 इसका आंसर है। और जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं ना बेटा क्लास में, सही नहीं है ये, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर कर रहे हैं। अभी भी 3 से 4 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा, हमारी क्लास में सभी बच्चे आंसर करते हैं तो सबको करना है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। जितने भी बच्चों ने किया था, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया था बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हमने देखा किसी भी भिन्न की पूर्ण संख्या से कैसे गुना की जाती है, या किसी भी पूर्ण संख्या की भिन्न से कैसे गुना की जाती है। सबका प्रोसेस सेम ही है। अब देख लेते हैं एक भिन्न की दूसरे भिन्न से कैसे की जाती है। मान लो 2/5 है, इसको भाग करना है 2/11 से। बेटा कुछ नहीं करना, वही है सेम आपके पास जो दूसरा वाला, ये वाला है, इसका रेसिप्रोकल लिख दो। 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा, क्या होगा जरा चैट सेक्शन में बताओ। 11/8 चैट सेक्शन में बेटा प्लीज, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। बट वेरी गुड, आंसर सही है। हाँ 11/8 और यहाँ पर गुना का साइन आ जाएगा, आ जाएगा 11/8 है ना। और 5 तो सेम ही रहेगा। अब हमें पता है गुना करना सबको आता है, 2 की गुना 11 से और 5 की गुना 8 से, कितना आया 22/40। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? हाँ हो सकता है। 2 से देखो, 2 एकम 2 और 20, है ना, 11/20। और आप यहाँ पर भी काट सकते हो, 2 एकम 2 2 चौक 8, है ना। तो 5 की गुना 4 से करोगे तो 20 आएगा और 1 की गुना 11 से करोगे तो 11 आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? हमने क्या किया, इसका व्युत्क्रम लिखा 11/8 और उसके बाद गुना कर दिया। फिर हमने यहाँ पर, अच्छा चाहे 8 की 2 से यहाँ से काट सकते हो, मैंने बताया था अंश हर से कट सकता है, तो आप उसे कट रहे हैं, दिख रहा है तो काट दो, नहीं तो गुना कर दो और बाद में काट के लिख दो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सभी बच्चे, यस और नो? एक भिन्न की दूसरे भिन्न से गुना, कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो, कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा सा, मैम प्लीज एक और बार समझाना, एक बार और बता दूं? ठीक है बेटा, मैंने सिंपल बताया आपको, एक क्वेश्चन ले लेते हैं उससे समझते हैं, ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा। मान लो मेरे पास बेटा नंबर है 3/8, मुझे इसे भाग करना है 4/9 से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैंने आपको बताया इसका उल्टा मतलब व्युत्क्रम लिख दो, इसको अंश से हर बना दो, हर से अंश बना दो, ठीक है। कितना हो गया 9/4, ठीक है, और गुना का साइन लगा दो। और 3/8 का तो 3 और पहला वाला नहीं छेड़ना है आपको, दूसरा वाला चेंज करना होता है, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप देखो यहाँ पर क्या कोई कट रहा है ऊपर वाला नीचे वाले से, नहीं, तो आप सीधा गुना कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 की गुना 9 से कर दो, 8 की गुना 4 से कर दो, कितना आएगा 3 × 27 8 × 32, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो मेरे पास नंबर है 5/12, इसको आपको भाग करना है 15 बटे
तीन से बता दो जरा क्या आएगा, चैट सेक्शन में आएगा, चैट सेक्शन में क्या आंसर आना चाहिए? सभी बच्चे कर दीजिए, सबका वे देख रही हूं मैं, चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले कॉपी में करो और उसके बाद चैट में कर दो। चलो फिर देख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चे सिंपल है, आपके पास क्या है 15/3 है, 15/3 का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल क्या होगा 3/15। तो मैंने 5/12 एज इट इज लिखा, गुना का साइन लगा दिया और 3/15 लिख दिया। अब देखो बेटा मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 5 × 5 = 15, 3 × 3 = 12 है ना। तो 1 × 1 = 4 × 3 से कितना आएगा 1/12। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? फिर बेटा आंसर क्यों नहीं दिया सभी ने? अगर समझ आ गई है तो आंसर आना चाहिए था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या मैं अब एक क्वेश्चन पूछ लूं पोल में, यस और नो? यस और नो? नो। हाँ बताइए बच्चे। चलिए फिर पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं। आपका क्वेश्चन है बेटा, आपको करना है 7/8 को भाग करना है 7/16 से। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और पोल में करना है। क्या करना है बेटा? पोल में करना है सभी को। जितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन है मुझे सबका आंसर चाहिए। आज हमारी क्लास में बच्चों को हो क्या गया है? हाँ, जैसा 100% रिस्पॉन्ड आता है वैसे क्यों नहीं आ रहा है आज सबका? पहले कॉपी में कर लीजिए फिर आंसर कीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, दूसरा वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लिखना है। इसका व्युत्क्रम लिखिए, गुना का साइन लगाइए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आपको पता है कि छोटा फॉर्म निकालते हैं, अगर कट रहा है कुछ तो काट दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। बेटा ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में कर लो। ठीक है, पहले कॉपी में कर लो। बेटा ध्यान से कीजिए, गलत कर रहे हैं आप। पहले उसका उल्टा लिखिए, उसके बाद गुना का साइन लगाइए, फिर गुना कीजिए। क्या कर रहे हैं बच्चे? ऐसे ही कुछ भी आंसर मत कीजिए। आपको पता है ये जो है इसका उल्टा कितना होगा 16/7, इसकी जगह पे गुना का साइन, और ये तो आपका ऐसे ही होता है 7/8। अब क्या ये आप सॉल्व नहीं कर सकते हो? मैम मैंने कर दिया। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी कर दो। और बच्चे ध्यान से कीजिए आप लोग, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। जितने बच्चे ज्वाइन है मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, 5 सेकंड और। 5 मैंने भी कर दिया। 4 3
दो एक जीरो, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। बेटा मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला इसका व्युत्क्रम लिख दो, यानी कि इसको उल्टा करके लिख दो, कितना आएगा आपका? आपका आया यहाँ पर 16/7, आपका 7 से 7 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो क्या नंबर बचा? 2/1 बचा, यानी कि 2 ही तो हुआ, तो 1/2 मैक्सिमम बच्चों ने 1/2 लिखा है। कैसे भाई, मुझे एक बच्चा अनम्यूट करके बताए कैसे कैसे, मुझे आप लोगों का डाउट जानना है भाई, बताइए सभी बच्चे, कौन बताएगा 1/2 कैसे किया आप लोगों ने? जल्दी से बता दीजिए, स्वीटी दलाल, दलाल की आईडी से जो बच्चा है, स्वीटी दलाल की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो और बताओ जरा, बेटा अनम्यूट करो और बताओ जरा कैसे आंसर, कितना लिखा आपने और क्या आया? चलो दर्शना देवी की आईडी से जो बच्चा है, बेटा कैसे हुआ और कितना आंसर आया आपका? मैम मैंने 7/8 भाग में 7/16 लिखा था मैम, फिर मैंने 7/8 लिख के मैम गुना का निशान लगा के ऊपर 16 कर दिया मैम, बटे में 7 कर दिया मैम, फिर 8 की गुना 16 से कर दी मैम, 8 8 2 16 मैम 2 आ गए मैम, 7 एकम 7 मैम। हाँ तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा बेटा? मैम 2/1। 2/1, 2/1 का मतलब 2 ही होता है ना? यस मैम। तो आंसर 2 होना चाहिए, फिर 1/2 क्यों आया? मैक्सिमम बच्चों ने 1/2 लिखा है, मुझे बेटा रीजन जानना है। आप लोग इसका भी उल्टा तो नहीं कर रहे हो, आंसर का उल्टा नहीं करना है बच्चों, आंसर तो वही है जो आंसर आएगा आपका, उल्टा करके यार रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम, बस ये वाला नंबर करना है बच्चे। क्या मेरी बात ये समझ आई है? क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? मान लो मेरे पास एक नंबर है 2/3, मुझे इसे भाग करना है 4/9 से, ठीक है बेटा। मान लो तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वाले नंबर को ऐसे ही लिख दूंगी और गुना का निशान लगा दूंगी, और इसका मैंने व्युत्क्रम 4/9 का व्युत्क्रम क्या बताया था मैंने, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, तो 9/4 हो गया। अब देखो मुझे अगर दिख रहा है कट रहा है तो मैं काट दूंगी, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 3 9, तो मुझे यहाँ से पता लग गया 1 की गुना 3 से और 1 की गुना 2 से, तो मेरे पास आ गया 3/2, ठीक है। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो गुना कर दो और उसके बाद करके देख लो कि स्मॉलेस्ट नंबर किससे वो भाग हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? आज मैम मैम दोबारा से समझा दो किस चीज को बेटा, ये चीज दोबारा बता दू? ठीक है बेटा, मैंने बोला मान लो मेरे पास है 2/3 और मुझे भाग करना है इसे 9/4/9 मान लो। तो बेटा मैंने आपको बताया दो स्टेप है, आपको पहले वाला तो आप ऐसे ही लिख लोगे, गुना का निशान लगा लोगे और इसका उल्टा, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, तो 9/4 मैंने पढ़ा, हमने पढ़ा था ना रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, ठीक है। और फिर आप इसको गुना कर दो, ठीक है, 18/12, क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? हाँ देखो, 2 के पाड़े में देखो 2 9 18, 2 6 12, आगे और हो सकता है? हाँ 3 के पाड़े से जाएगा ना, 3 3 9 3 2 6 है ना, तो 3/2 आंसर आ गया, ठीक है। और आप यहाँ पर भी काट सकते थे, अगर आपको यहाँ दिख रहा है जैसे 3 एकम 3 3 3 9, 2 एकम 2 2 2 4, तो आप यहाँ भी काट सकते हो। अगर आप यहाँ नहीं काटना चाहते, गुना करना चाहते हो पूरा, तो गुना भी कर सकते हो पूरा। क्या आप मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन, चैट सेक्शन, चैट सेक्शन में सबका आंसर चाहिए। बहुत
बहुत सारे बच्चों ने वही गलती की थी। अब बेटा यही आंसर है, इसको उल्टा नहीं करना है, 2/3 आंसर नहीं होगा, आंसर जो आया वही होता, उसे उल्टा नहीं करना। उल्टा मतलब सिर्फ इसको करना है जो दूसरा वाला भाग है। चलो फिर आपकी डबल आवाज आ रही है बेटा, बीच बीच में बच्चे जो ऑन कर लेते हैं ना उससे आ रही है ये। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ बेटा, मैं एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ। ठीक है चलो, सभी बच्चे कहाँ करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, 4/5 को भाग करना है 2/3 से। ठीक है, स्टेप फॉलो करने हैं, इसको बदलना है सिर्फ। ठीक है, गुना का निशान लगाना है, और कट रहा है तो काटो, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दो और देखो। ठीक है, और आपकी बार सबके आंसर आने चाहिए और बिल्कुल सही होने चाहिए, टाइम ले लो पर, लेकिन सभी बच्चे करेंगे। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, टाइम लो, पहले कॉपी में करो, फिर जो दे सही लगता है फिर जाके बोल में करो। ध्यान से करना है सभी को, दूसरे वाले का उल्टा करके लिखना है, अंश को हर, हर को अंश, व्युत क्रम बना दो उसका, उसके बाद गुना का निशान लगा दो और गुना कर दो। ठीक है, अगर उससे और छोटा फॉर्म बन सकती है तो बेटा वो बना दो। सभी बच्चे कर दीजिए। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, बाकी बच्चे मैंने भी कर दिया। बेटा प्लीज, आप लोगों को पता है ना रूल्स, आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं है किसी की भी। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए। पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में करना। जल्दी जल्दी कर दीजिए बेटा, कॉपी में करो, उसके बाद पोल में। 4/5 को भाग करना है 2/3 से। पांच सेकेंड और मैम मैंने कर दिया। 4/3/2/1/0 पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है चलो, देखो बच्चे सिंपल था, आपको क्या करना है, आपका इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो 4/5 तो एज इट इज, गुना का साइन 3/2, 2/3 का 3/2। अब सिंपल गुना कर दो, 4 × 3 = 12 और 5 × 2 = 10, क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? हाँ, 2 के पहाड़े से 2 को 6 से गुना करें, 12 × 5 है ना, तो 6/5 ये आपका आंसर हुआ, 6/5। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? और आप इसको और सिंपल कर सकते हो बेटा, यहाँ से आपको दिख रहा है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 6/5 वैसे भी आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? बेटा जितना भी हम पढ़ते हैं ना, वो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में यूज सब होता है, तो आप ये मत सोचिए कि ये पढ़ लिया हो गया अगला नया शुरू करेंगे। हर चीज को अच्छे से समझिए, क्योंकि आगे अगला जो भी टॉपिक आएगा वहां पर ये चीजें यूज भी हो जाएंगी। मेरी बात समझ आई है सभी को, यस और नो? चैट सेक्शन में बता दो बच्चे। ठीक है चलिए बच्चे, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब ले लेते हैं होमवर्क।
एंड आपके डाउट्स।